उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ध्यान देना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, सिलेबस के रिगार्डिंग, पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, जीप 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, चाहे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करेगी। फॉर्म आपको कैसे कैसे भरना है, ध्यान देना स्टूडेंट, आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है 15 अप्रैल 2024 तक रहने वाली है। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट की फॉर्म आपको कैसे कैसे फिल करना है, फीस कैसे आपको सबमिट करनी है। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं और कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है, इसके रिगार्डिंग तो मैं एक सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, लेकिन काफ़ी डाउट यहाँ पे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी है, होप मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट, जो ग्रुप ई है उसके अंतर्गत अगर आप 10th क्लास में अपेयरिंग है या आपने 10th क्लास पास आउट कर लिया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके पास क्लास 10th में थी, देन आप ग्रुप ई के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ध्यान देने स्टूडेंट, ये 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स आपका होता है। ग्रुप बी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो यहाँ पे 2 वर्ष का डिप्लोमा का कोर्स होता है, यहाँ पे हो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जिनके पास 10+2 में बायोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे है और ये अपेयरिंग में, कहने का मतलब 12th का एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं, हो स्टूडेंट भी ग्रुप बी का फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ग्रुप ए के अंतर्गत हो स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने 2 वर्ष का ITI का कोर्स किया है या अपेयरिंग में है, इस बार फाइनल ईयर में है, या ऐसे स्टूडेंट जिनके पास 10+2 में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है और अपेयरिंग है या पास आउट कर लिया है, वो ग्रुप ए लेटरल एंट्री के अंतर्गत जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ग्रुप एम के अंतर्गत मोमेंट SV आर्ट्स स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट एलिजिबल है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, ग्रुप एम के अंतर्गत आपके पास इंग्लिश कंपलसरी यहाँ पे होने चाहिए, चाहे आप साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो आपके पेपर सेंटर है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, काफी आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देने स्टूडेंट 100 मार्क्स का आपके यहाँ पे पेपर रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली स्टूडेंट, चीज का आप ध्यान रखना है, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है सही उत्तर देने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर सही में से 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पेपर आपका 100 नंबर का ही रहने वाला स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और जो पेपर पैटर्न रहता है स्टूडेंट, जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक में रहता है वहाँ पे 1 क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, सेम यहाँ पे भी वही पैटर्न रहने वाला है, लेकिन अगर आप 1 क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं तो सही में से आपका 1 नंबर रिड्यूस कर दिया जाएगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आप सिलेबस के रिगार्डिंग में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना स्टूडेंट, आपको जो प्रिपरेशन है, आपको जो आप यहाँ पे पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि प्रिपरेशन कहाँ पे करनी है। सबसे पहले ध्यान देने स्टूडेंट, ग्रुप ई के अंतर्गत जैसे मैंने कहा है कि 10th बेस पे आपका ये एग्जाम रहने वाला है, तो मैथमेटिक्स और साइंस आपको 10th लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान देने स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपको 11th 12th के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। सेम आप ग्रुप बी की बात करेंगे तो 11th 12th का कुछ आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा, NCERT बेस पे आपका पेपर रहने वाला है स्टूडेंट, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ग्रुप बी के अंतर्गत आपको जो पहला पेपर है बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलने वाले हैं। अब ग्रुप ए की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान देने स्टूडेंट इसमें 11th 12th लेवल के ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको 10th के भी देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आप चाहिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले हैं। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा और ध्यान देने स्टूडेंट, आपको बुक ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी मिल जाएगी और शॉपकीपर से जो बुक सेलर की शॉप है वहाँ पर भी आपको इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, ग्रुप ए लेटरल एंट्री के, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बुक मिल जाएगी और आप NCERT बेस पर अपना जो सिलेबस है अगर आप उसे भी कवर करेंगे तो वहां से भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एक और आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।